Hello students, a very fresh and beautiful morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. As you know students that we are done with our chapter interjection from your grammar book, right? Which as I told you is the last chapter. So we are done with it. Now we are going to move ahead with the next chapter, that is the magpie's lesson from your English textbook, that is communicating English. We have already completed half of the chapter. I have already explained you half of this chapter. So I would just brief you up the story of this chapter and then we would go ahead with the remaining portion of this chapter. Okay? हम लोग ने आधा lesson already पढ़ लिया है, है ना? Live class में हमने आधा lesson complete कर लिया था. अभी जो बचा हुआ आधा है वो मैं आज आपको समझा दूंगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था. एज यू नो स्टूडेंट्स, द मैगपाइज लेसन, मैगपाई इट्स अ नेम ऑफ बर्ड, राइट? एंड हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैगपाइज लेसन, दैट मीन्स मैगपाई का लेसन, है ना? मतलब द थिंग विच मैगपाई इज गोइंग टू टीच. इट इज कंसिडर्ड दैट मैगपाई इज one of the bird who was the only one who know how to prepare or how to build a nest. ठीक है, वो एक ऐसा bird था magpie, सिर्फ उसको ही अपना अच्छे से nest बनाना आता था years and years back. And it is a bird which is found in America, that is and also Europe and Australia. ठीक है, वो दिखने में कैसे होता है? Black and white, काफ़ी sociable है, अच्छा लगता है उसको दूसरों की कंपनी में रहना, है ना? और उसको ब्राइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं. नाउ द थिंग विच वॉज फेमस फॉर मैगपाई वॉज, मैगपाई की कौन सी चीज़ फेमस थी? उसका नेस्ट बनाने का जो तरीका था, राइट? एंड द नेस्ट दैट शी प्रिपेयर्ड वॉज वेरी फेमस एंड नो अदर बर्ड वॉज एबल टू मेक सच काइंड ऑफ बर्ड. वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द वीडियो ऑल्सो, राइट? मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी शेयर किया था लाइव क्लास में जिसमें हमने देखा था कि मैगपाई के पास कुछ बर्ड्स सीखने के लिए आते हैं. वो उसे कहते हैं कि प्लीज़ टीच अस हाउ टू मेक और हाउ टू बिल्ड द नेस्ट. एंड मैगपाई वॉज वेरी हेल्पफुल, तो उसने कहा कि वाई नॉट आई वुड हेल्प यू टू प्रिपेयर द नेस्ट. इंडीड शी सेड दैट आई वुड बी एबल टू आई वुड लव टू टीच यू. ठीक है, अभी जो बर्ड्स आए थे उसमें से एक बर्ड था ईगल. ठीक है, जैसे ही मैगपाई ने स्टार्ट किया कि भाई हमें जो नेस्ट बनाना है, वेयर शुड वी स्टार्ट फ्रॉम? वी शुड स्टार्ट बाई चूजिंग अ टॉल ओक ट्री, टॉल ग्रेट ओक ट्री. उसने क्या कहा? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले एक अच्छा लंबा सा ओक ट्री ढूंढना है, ठीक है, और उसके ऊपर स्टिक्स लेके नेस्ट बनाना स्टार्ट करना है. लेकिन वो कंप्लीट कर पाए उससे पहले ही बीच में एक जो ईगल था, बोल्ड ईगल, राइट, इट स्टार्टेड स्पीकिंग. व्हाट डिड शी से? दैट ट्री, क्योंकि ईगल जो होते हैं वो ज़्यादातर क्लाउड्स के ऊपर उड़ते हैं और उनको अपना जो नेस्ट होता है वो ट्री में बनाना अच्छा नहीं लगता है. दे फील दैट इट इज़ सो डाउन टू, और मतलब इट इज़ लाइक यू कैन कंसिडर इट कि ग्राउंड लेवल पर उसको लगता है ट्री. इसीलिए उसने कहा कि आई कांट मेक माई नेस्ट इन द ट्री और इन दिस वैली, राइट? उसने कहा कि मैं अपना नेस्ट कहाँ बनाऊँगा? आई विल मेक माई नेस्ट ऑन द हाइएस्ट क्लिफ ऑफ द माउंटेन. उसने कहा कि मैं अपना नेस्ट कहाँ बनाऊँगा? ऑन द हाइएस्ट क्लिफ ऑफ द माउंटेन. एंड विदाउट लिसनिंग मोर ये जो ईगल था इट जस्ट फ्लू अवे. ठीक है, एंड मैगपाई वॉज ऑल्सो ओके. बाकी सब है, जिसको सुनना है वो सुनेंगे, जिसको नहीं सुनना है वो चले जाएंगे. एंड मैगपाई कंटिन्यूड, शी केप्ट ऑन टीचिंग हाउ टू मेक द नेस्ट, राइट? एंड द मैगपाई स्टार्टेड, उसने कहा कि वी नीड टू टेक द स्टिक्स एंड वी नीड टू मूव टू द हायर ब्रांच, मतलब जितना हो सके ऊंचाई पर जाना है. ठीक है, और उसी वक्त दूसरे दो बर्ड्स हैं, लार्क एंड
बोबोलिंक, देर आर टू ऑफ देम, ठीक है, दोनों को लगता है कि ऊंची ऊंचे हाइट पर बनाएंगे, अगर हायर ब्रांचेस पर नेस्ट बनाया जाएगा तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, इट माइट फॉल डाउन व्हेन देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड, अकॉर्डिंग टू दोज टू बर्ड्स. उस उन लोगों को क्या लगता है कि इतनी ऊंचाई पर अगर हम बनाते हैं नेस्ट तो व्हाट विल हैपन, इट वुड फॉल डाउन, राइट. सो दे सेड नो नो, वी कैन नॉट मेक नेस्ट ऑन हायर ब्रांचेस, ठीक है. और बोबोलिंक और लार्क, ये जो दो बर्ड्स है, दे जस्ट लेफ्ट फ्रॉम देयर, बोबोलिंक एंड लार्क, ओके. एंड टू दिस डे दे हैव नेवर मेड देयर नेस्ट ऑन द ट्री ऑन हायर ब्रांचेस, दे ऑलवेज प्रेफर टू मेक देयर नेस्ट ऑन द टॉल ग्रास ऑफ मेडो. मेडोज मतलब जो थोड़ी काफ़ी बड़ी घास होती है, ग्रास होती है, उसके अंदर वो लोग अपना नेस्ट बनाते हैं. मिसेस मैकपाई डिडंट इवन लुक एट द बर्ड्स फ्लाई अवे, ठीक है, उसको कुछ पड़ी नहीं थी, उसने कहा जिसको सीखना है वो बैठ के सीखेंगे. अभी तीन बर्ड्स तो चले गए, सबसे पहले कौन गया, ईगल एंड देन लार्क एंड बोबोलिंक, राइट. नाउ मिसेस मैकपाई डिडंट इवन लुक एट दोज बर्ड्स एंड शी स्टार्टेड टू वीव द स्टिक्स टूगेदर, और उन्होंने अपना नेस्ट बनाना स्टार्ट किया, इन एंड आउट, दैट इज़ हाउ शी वीव्स अ नेस्ट. शी सेड चीयरफुली, शी वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि सब उसको छोड़ के जा रहे हैं, नो बडी इज़ पेइंग अटेंशन, राइट. शी इज़ बिजी मेकिंग हर नेस्ट बिकॉज उसको अपना नेस्ट बनाने में बहुत अच्छा लगता है. दिस विल मेक द बॉटम ऑफ द नेस्ट, और उसने स्टार्टिंग का पोर्शन दिखाया, जो नेस्ट का बॉटम पार्ट होता है वो बनाया उसने. आई विल नॉट माई सेट माई नेस्ट ऑन द ब्रांच लाइक दैट, स्पोक अप द ओरियोल. ना ओरियोल इज अनदर बर्ड, ठीक है, एक और बर्ड है जो वहाँ पे सीखने आया था, है ना. उसने क्या कहा कि मैं ऐसे ब्रांच के ऊपर अपना नेस्ट सेट नहीं करूँगी, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू सेट माई नेस्ट ऑन द ब्रांच. एंड वॉट डज शी डू, शी जस्ट हैंग्स हर नेस्ट टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, राइट, कि उसने अपना उनका जो ट्री का ब्रांच होता है, इट्स लाइक अ, मान लो ये आपकी ट्री की ब्रांच है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे हैंगर जैसा उनका नेस्ट जो होता है यहाँ पे हैंग करता है, ठीक है, ट्री की जो ब्रांच होती है उसके ऊपर, मान लो ये आपका ब्रांच है ट्री का, और उसके ऊपर उनका जो नेस्ट है वो यहाँ पे ऐसे हैंग करता है, किसका, ओरियोल का, ठीक है. देर यू मे सी इट इवन टूडे स्विंगिंग इन द विंड फार आउट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच के एंड में उस ऐसे ही टंगा हुआ होगा, और वो किसका होता है, नेस्ट ओरियोल का, ओके. नाउ कवर द इनसाइड ऑफ योर नेस्ट विद द मड, मिसेस मैकपाई वेंट ऑन. ओरियोल तो उड़ गई उधर से, है ना, उसको ऐसे नेस्ट नहीं बनाता, तो शी फ्लू अवे. देन मैकपाई अगेन स्टार्टेड, शी कंटिन्यूड, उसने कहा कि अभी हम नेस्ट के अंदर को मड से पहले कवर करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर सॉफ्ट ग्रास ले करेंगे. डियर डियर, सो मच वर्क टू मेक अ नेस्ट, यॉन द विपोविल. आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस ट्रबल. सो विपरविल जो था, जो बर्ड है, व्हाट डिड शी से, ओह दिस इज सो मच ऑफ वर्क, एंड शी स्टार्टेड यॉनिंग. यॉन मीन्स उबासी लेना, है ना. शी वॉज लाइक, ओह दिस इज सो मच ऑफ ट्रबल, आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग. And the lazy bird hasn't made the nest from that day to this. Or ये जो bird है whippoorwill, she never made a nest till today. उसने कभी nest बनाया ही नहीं है. वो क्या करती है, ज़मीन के ऊपर ऐसे ही कुछ leaf वगैरह रख दिया और वहीं पे अपने अंडे रख देती है, ठीक है. She just lays her eggs in the hollow of a ground, sorry, or perhaps a log. कहाँ पे रखती है वो अपने अंडे, शी पुट्स इट इन द हॉलो ऑफ द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अंदर जो थोड़ा सा गड्ढा जैसा बनता है उसमें रख देती है, या फिर ट्री का जो कटा हुआ पोर्शन होता है ट्रंक का, जिसको हम लॉग कहते हैं, राइट, द पोर्शन ऑफ ट्री, ट्रंक का जो पोर्शन होता है वो, उसको उसका जो हॉलो पोर्शन होता है उसके अंदर वो अपना एग रख देती है. हु वुड गो टू ऑल दैट ट्रैवल, हूटेड द आउल. अभी उसके बाद कौन था, आउल था. उसको भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगी, उसने सोचा कि अरे इतनी मेहनत कौन करेगा, हु इज़ गोइंग टू टेक सो मच ऑफ ट्रबल. आई थिंक आई हैव अ बेटर प्लान, उसने क्या कहा, मेरे पास इससे भी बेटर प्लान है. और उसका वो ये बेटर प्लान क्या था, डू यू नो दैट स्टूडेंट्स,
उसका बेटर प्लान ये था कि वो नेस्ट बनाएगा ही नहीं, जो पुराने नेस्ट होते हैं क्रो के, राइट, या फिर हॉक के, जो पुराने नेस्ट वो लोग अबेंडन कर देते हैं या छोड़ देते हैं, वो वाले नेस्ट के अंदर वो अपने अंडे रखना चालू कर देता है, राइट. जब वो बोल के गया कि आई हैव अ बेटर प्लान, ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी वाइज आउल है ना, काफ़ी वाइज बर्ड है. बट यू कैन जस्ट मेक इट आउट नाउ कि उसका प्लान क्या था. शी जस्ट कीप्स हर एग्स इन द क्रो और हॉक्स ओल्ड नेस्ट. नाउ द मैगपाई स्टार्टेड अगेन सेइंग, नाउ टेक मोर मड एंड स्टिक्स एंड बिगेन द मैगपाई वंस मोर. उसने वापस अपना नेस्ट बनाना स्टार्ट किया. यू शुड बिल्ड अ डोम ओवर योर नेस्ट. डोम मतलब जो हाफ सेमी सर्कल जैसा होता है, ऐसे आर्क जैसा, इसको डोम कहते हैं, ठीक है. तो उसने क्या कहा कि मान लो ये उसका नेस्ट बनाया उसने, ठीक है, यहाँ पे उसने ये नेस्ट बनाया अपना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें रख के उसके ऊपर उसने एक डोम क्रिएट किया और यहाँ पे एक छोटा सा एंट्रेंस, मतलब यहाँ से अंदर जाना है लेकिन ये पूरा मड से कवर किया हुआ है, ठीक है. उसने क्या कहा कि डोम बना देते हैं नेस्ट का ताकि हम लिटिल वंस को वहाँ पे हाइड कर सके और अगर मान लो कभी बारिश भी आती है तब भी उससे हम बच सकते हैं. तो रॉबिन और काउ जो है, सॉरी क्रो जो है, वो दोनों ने कहा नहीं नहीं इट्स टोटली फाइन. ओह नेवर माइंड द डोम, सेड रॉबिन, आई विल कवर माई लिटिल वंस विथ माई विंग्स. उसने क्या कहा, मैं अपने विंग्स से अपने बच्चों को कवर कर लूँगी, ठीक है. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक द डोम. यू आर राइट मिसेस रॉबिन, सेड द क्रो. क्रो ने क्या कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही है मिसेस रॉबिन, डोम बनाने की ज़रूरत नहीं है. सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक डोम्स. एंड टू दिस डे नीदर रॉबिन्स नॉर क्रोज हैव बिल्ट दियर डोम्स ओवर दियर नेस्ट. उन्होंने कभी अपने नेस्ट के ऊपर डोम नहीं बनाया है, ठीक है. मिसेज मैगपाई वेंट ऑन बिल्डिंग हर नेस्ट जस्ट एज शी न्यू इट ऑट टू बी बिल्ट. दैट मीन्स सून इट वॉज डन डोम एंड ऑल. सो मिसेस मैगपाई ने वैसा ही तरीका उसी तरह से बनाया जिस तरह से वो खुद अपना बनाती है, वैसे ही सबको टीच किया, राइट. और ख़त्म हो गया उसका डो, अपना जो बनाना था नेस्ट वो ख़त्म हो गया उसका. शी मेड इट वेरी नाइसली. इंडीड मिसेस मैगपाई सेड द स्वालोज वी लाइक योर नेस्ट. स्वालोज जो है वो भी एक बर्ड है. व्हाट डिड शी से, इंडीड ये बहुत ब्यूटीफुल टास्क है जो आपने किया, इट्स रियली नाइस और हमको आपका नेस्ट पसंद भी आया. लेकिन ये जो डोम है, डोम इज़ अ फाइन थिंग बट वाई शुड वी बिल्ट इट, राइट. हमको क्यों बिल्ड करने की ज़रूरत है जब हमको वैसे ही मिल जाते हैं डोम्स. डोम्स का मतलब नॉर्मली उसने डोम किस लिए बनाया था, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द रूफ. रूफ जो होता है वो बनाने के लिए. तो बाकी ये जो स्वैलोज है उन्होंने क्या कहा कि वी कैन जस्ट बिल्ट अ रू बिल्ट अ नेस्ट इन सच अ प्लेस जहाँ पर ऊपर कुछ हो, है ना. जैसे मान लो कि घर की जो शेल्फ होती है उसके ऊपर अगर वो लोग अपने नेस्ट बनाते हैं तो क्या होगा, ऊपर छत आ जाएगी तो उनको डोम बनाने की ज़रूरत नहीं है, है ना. तो उनका कहना है कि देर आर प्लेंटी ऑफ डोम्स ऑलरेडी बिल्ट, वी ओनली नीड टू मेक आर नेस्ट अंडर देम, है ना. अभी मान लो ये ऐसे रूफ कवरिंग उनको मिल रही है, ऐसे रूफ की कवरिंग मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ जाके अपना नेस्ट बना देंगे. दैट मीन्स द डोम इज़ ऑलरेडी बिल्ट, तो उन्हें अपना डोम बनाने की ज़रूरत नहीं है. एवर सिंस देन मैनी स्वैलोज बिल्ड दियर नेस्ट ऑन बिल्डिंग्स ऑफन अंडर अ रूफ और अ विंडो लेज, ठीक है. वो लोग ऐसे ही बनाते हैं कि उनको बारिश वगैरह टच ना कर पाए या फिर गीले ना हो जाए वो लोग, है ना, लेकिन खुद से डोम नहीं बनाते हैं. अदर्स हैव मेड दियर्स अंडर द रूफ्स ऑफ ओपन बांस एंड स्टिल अदर्स अंडर द ईव्स. नाउ हियर यू कैन सी द मीनिंग ऑफ बांस. बांस का मतलब होता है लार्ज बिल्डिंग्स वेयर एनिमल्स और क्रॉप्स आर केप्ट, ठीक है. एनिमल्स और क्रॉप्स को रखने की जो जगह होती है दोज आर कॉल्ड बांस. एंड ईव्स का मतलब क्या होता है, द लोअर एजेस ऑफ द रूफ. रूफ का जो लोअर पोर्शन होता है एंड का, वो वाला, ठीक है. सो ऑल द बर्ड्स फ्लू अवे एंड लेफ्ट मिसेस मैगपाई विदाउट सेइंग थैंक यू. बिना थैंक यू कहे वहाँ से सब लोग निकल गए, ठीक है. नोबडी इवन केयर कि उसने इतनी मेहनत करके उनको नेस्ट बनाना सिखाया. ऑल्दो यू डिडंट टुक हर एडवाइस और यू डिडंट मेक द रूफ जस्ट लाइक व्हाट शी सेड बट
एटलीस्ट शी स्पेयर्ड हर टाइम, है ना, वो उसने अपना टाइम तो स्पेयर किया, लेकिन उस उन लोगों को तो उस चीज़ की भी पड़ी नहीं थी, है ना. सो एज एंड ईच वन थॉट हर वे सो मच, सॉरी, ईच वन बिल्ट हर नेस्ट एज शी प्लीज्ड एंड ईच वन थॉट हर वे सो मच बेटर देन द मैगपाइज. एंड ऑब्वियसली अभी सबका अपना अपना तरीका होता है, तो सबको जिस तरह से बनाना था उन्होंने उसी तरह से बनाया, और उनको लगा कि उनका जो वे है या उनका जो नेस्ट है डेट इज़ बेटर देन मैगपाई. ओके, द मैगपाई स्टिल बिल्ड्स हर नेस्ट एट द टॉप ऑफ द हाई ट्री. शी मेक्स इट ऑफ मड एंड स्टिक्स एंड कवर्स इट विद डोम टू मेक इट कम्फर्टेबल एंड कोजी. सो टिल दिस डे मैगपाई जो बर्ड है वो अभी भी अपना नेस्ट ऐसे ही बनाती है ऑन टॉप ऑफ द हाई ट्री, एंड शी मेक्स इट विद मड एंड स्टिक्स, जैसे कि उसने बताया था स्टार्टिंग में, है ना, एंड इट कवर्स इट विद द डोम टू मेक इट कम्फर्टेबल एंड कोजी. ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है, राइट. मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूँ. मैगपाई जो है वो एक बर्ड है हु वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीवर बिकॉज इट वॉज द ओनली बर्ड जिसको नेस्ट बनाना आता था पहले के टाइम में, ठीक है. अभी तो काफ़ी सारे बर्ड्स हैं जो अच्छे अच्छे नेस्ट बनाते हैं, बट एट दैट टाइम ईयर्स एंड ईयर्स अगो मैगपाई वॉज द ओनली वन. उसके पास कुछ बर्ड्स सीखने आते हैं, लेकिन किसी को भी उसकी मेथड अच्छी नहीं लगती है. सबसे पहले जो बर्ड जाता है वो होता है ईगल, आफ्टर दैट लार्क एंड बोबोलिंक, वो दोनों चले जाते हैं, देन लीव्स ओरियोल, है ना, ओरियोल जो है वो चली जाती है, उसके बाद विपरविल, देन आउल, उसके बाद रॉबिन एंड क्रो, एंड लास्ट में स्वालोस, ठीक है. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मैगपाई हु टीचर्स अदर्स हाउ टू मेक अ नेस्ट. वेल, नोबडी इज़ हैप्पी विद इट, बट येस, शी ट्राइड हर बेस्ट टू टीच देम हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है. आपको मीनिंग्स जो है वो आपकी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है. यू हैव टू राइट डाउन द मीनिंग्स इन योर नोटबुक. Now let's see the exercise which is given over here. We will start with read and understand. Okay, now let's see the tick the correct answers. The first one is the eagle flew away because it dash. It was bored, was too proud or wanted to build its nest on top of a cliff. What do you think, students? Iska right answer kya hona chahiye? ईगल क्यों चला गया? बिकॉज इट वॉन्टेड टू बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन टॉप ऑफ ए क्लिफ. सेकेंड वन, द ओरियोल डिसाइडेड टू बिल्ड इट्स नेस्ट. वेयर डिड इट डिसाइडेड टू बिल्ड इट्स नेस्ट? इन अ ट्री, ऑन अ बैंक और इन द टॉल ग्रास. व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स, उसने कहाँ पे सोचा था अपना नेस्ट बनाने के लिए? इट बिल्ट इन अ ट्री ओनली, लेकिन उसको एकदम हाई ब्रांच के ऊपर नहीं बनाना था, है ना. उसने अपना नेस्ट जो है वो कैसे बनाया था? इट हंग हर नेस्ट टू द लोअर एंड ऑफ द ब्रांच. सो वी कैन कंसिडर इट के इट डिसाइडेड टू बिल्ड द नेस्ट इन द ट्री ओनली. ओके, द थर्ड वन, द विपोविल इज कॉल्ड लेजी. वाई इज इट कॉल्ड लेजी? It is called lazy because it never makes nest, never lays eggs or lays its egg in the nest of another bird. So here students, option A is the right one. Okay, never makes a nest. ठीक है? Okay, let's see the next one. An owl lays its eggs in a crow's old nest on top of a tree or in a log. कहाँ पे? What do you think? कहाँ पे वो अपना नेस्ट बनाते हैं? आउल कहाँ पे नेस्ट बनाते हैं? Well, it doesn't make the nest. It lays its eggs in the crow's old nest. पुराना वाला, ठीक है? And last one, the robin decided to follow the magpie's instruction, builds its nest in a hollow or cover its babies with its twigs. दरवाजो बंद करने भाई. उसे ढकिया भी दे. फॉलोज मैगपाइज इंस्ट्रक्शन, बिल्ड इट्स नेस्ट इन अ हॉलो और कवर्स इट्स बेबीज विद इट्स विंग्स. सो रॉबिन ने क्या डिसाइड किया? शी वुड कवर इट्स बेबीज विद इट्स
wings. Okay, so that would be the right answer. Okay, now exercise B के जो question answers है वो हम कल live class में देख लेंगे. ठीक है, today we are going to see or move on with exercise C. है ना, each bird decided to do something different. Write what each bird did and why. So here students, eagle जो है उसने क्या decide किया, what did it did and why. Well, you know कि eagle ने वहाँ, eagle वहाँ से चला गया था, right? It decided to fly away, है ना? तो it decided to make its nest on the highest cliff of the mountain, है ना? उसने क्या decide किया, वो अपना nest कहाँ बनाएगा? On the highest cliff of the mountain, because he doesn't like to make that nest on the tree in the valley. ठीक है, so here we can write the answer. कि what did? It decided to make nest on the highest cliff of the mountain. Highest cliff of the mountain. Right? Okay, so now let's see the second one, that is Oriole. As you know students, Oriole ने क्या किया, what did it did? उसने क्या किया था, अपना bird कहाँ पर बनाने का decide किया? She decided to make it at the, she decided to hung the nest at the lower end of the branch. वो answer हमने यहाँ पर देखा था. She decided that she would be hanging her nest from the little twigs, right? You would see her nest swinging in the wind far out at the end of long branch. And why did she decided to do that? Because she thought that the wind would surely blow off the nest agar usko itna height pe banate hai to. Theek hai, so what did Oriole do? She made her nest from little twigs hanging at the far end of the long branch. And why did she do so? Because she thought ki if we make a nest at such a high position, the wind might blow it away. Okay, now let's see the next one is whippoorwill. Whippoorwill ne kya kiya, what did she decided to do? Well, she decided not to make a nest, right? Usne kya decide kiya, not to make a nest, hai na? Wo kahan pe rakhti thi apne ande? She would keep the eggs in the hollow of a ground or in a log, hai na? And why did she do so? Because she was lazy, hai na? Whippoorwill was lazy. Now the next bird in the line is owl. Owl is considered to be very wise, right? But what did it decide to do? It decided to put her eggs in old nest of a crow, है ना? And why did it thought so? Because उसको लगा कि इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है. It thought that taking troubles is unnecessary. Okay, taking troubles is unnecessary, right? अगर किसी का पुराना वाला nest मिल रहा है तो फिर क्यों बनाने की मेहनत करनी है ना? ये सोच थी,
रॉबिन ने क्या डिसाइड किया? व्हाट डिड रॉबिन डिसाइड? रॉबिन डिसाइड कि शी वुड मेक अ नेस्ट विदाउट अ डोम, है ना. शी डिसाइडेड टू मेक अ नेस्ट विदाउट डोम एंड प्रोटेक्ट हर चिल्ड्रन और प्रोटेक्ट हर यंग वंस विथ हर विंग्स, है ना. दैट कुड बी द रीजन वाई शी डिसाइडेड नॉट टू मेक अ डोम. और स्वैलोज जो है वो क्या करते हैं? स्वैलो ऑल्सो डोंट मेक डोम, राइट. दे मेक नेस्ट विच हैज डोम्स ऑलरेडी बिल्ट बिफोर, है ना. ऑलरेडी बिल्ट बिफोर, ओके. एंड लास्ट वन मैगपाई. मैगपाई ने क्या किया? शी टॉट द बर्ड्स हाउ टू मेक अ वंडरफुल नेस्ट, राइट. वी कैन राइट शी टॉट द बर्ड्स हाउ टू मेक अ नेस्ट. हाउ टू मेक अ नेस्ट, ओके. एंड वाई डिड शी डू सो? बिकॉज शी लव्ड द वे शी मेड अ नेस्ट. शी वॉज यू कैन कंसिडर इट, शी वॉज वेरी हैप्पी, राइट. एंड शी वॉज वेरी चीयरफुल एंड शी लव टू मेक द नेस्ट द वे शी डिड, ओके. सो ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, उसके आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगी PDF में, ओके. सो नो नीड टू वरी, आई वुड बी सेंडिंग द आंसर्स ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेस. और एक्सरसाइज बी जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है, लाइव क्लास में, ओके. ठीक है. एंड एक्सरसाइज डी जो है वो हम नहीं कर रहे, वी आर नॉट गोइंग टू हैव इट इन एग्जाम्स ऑल्सो, ओके. ठीक है, चलो. थैंक यू एंड बाय ऑल ऑफ यू.